वेलकम टू योर ऑन चैनल जेके नेट हब एग्जाम स्टडी। जेके बॉपी की तरफ से सिलेक्शन लिस्ट जो है बी फार्मेसी के लिए आ चुकी है। जिन भी कैंडिडेट्स ने बी फार्मेसी के लिए अप्लाई किया था उनमें से कुछ स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है, तो सिलेक्शन लिस्ट को हम देखेंगे। जो है प्रभा हरजीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, प्री क्लिनिकल साइंसेज, मदर मेहरबान कैंपस हेल्थ साइंसेज जम्मू। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ज़रूरी डेट्स जो हैं वो आप सबसे शेयर करेंगे। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको रिपोर्ट करना है कॉलेज एडमिशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 19th of April 2021 से लेकर 27th of April 2021। तो 27 अप्रैल तक एडमिशन जो है वो मतलब कि कॉलेज में रिपोर्ट करना है स्टूडेंट्स को। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्क्स का 10+2, उस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायोलॉजी उसके साथ, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और कोई भी कॉलेज से अगर डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाता है तो वो भी आपको लेकर जाना है, ठीक है ना। डिमांड की जाती है कि ये मतलब डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, तो वो भी लेकर जाना है। जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स उनको 28th of April को जाना है, ठीक है ना, कॉलेज में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स, ये देख सकते हैं आप, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स जिनकी सिलेक्शन हुई है यहाँ पर। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये नोटिस अगर डाउनलोड करना है तो बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 49% पर यहाँ भी फार्मेसी मिलती है, रैंक 101 ओपन मेरिट। वेटिंग लिस्ट में 2 कैंडिडेट्स हैं, मोहम्मद सिकंदर STK और ओपन मेरिट हिलाल अहमद। ओके, तो ये सिलेक्शन लिस्ट है सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने बी फार्मेसी के लिए अप्लाई किया था, उनकी यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, नाम आ चुके हैं। डेट के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा कॉलेज में। तो इसके बाद अगर कुछ कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं लेते तो सीट्स वेकेंट रहती हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा से बोपी की तरफ से जो है वो नोटिस आएगा कि अब जो है मतलब दूसरे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी। तो एक बात और, जो इस कॉलेज में जो भी सिलेक्शन हुई है जिन स्टूडेंट्स ने अभी मतलब कि आगे रूटीन रहेगी अगर, तो उनके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन हो रही है ये कोई एंट्रेंस नहीं होता इस कॉलेज के लिए। इसमें आपको 12th क्लास की जो परसेंटेज है, 12th में जो आपकी परसेंटेज है उसी के बेस पर जो है ये एडमिशन मिलती है, ठीक है ना। आपको डेट निकली थी उसके लिए अप्लाई करना था, तो उसके बाद जो है ये सिलेक्शन लिस्ट अब बोपी की तरफ से आ चुकी है। तो सभी वो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं, तो फाइनली जो है बोपी की तरफ से ये जो है लिस्ट आ चुकी है, तो स्टूडेंट्स जो है चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी।